दोस्तों जरा सोचो कि अगर हम पहली बार किसी एलियन लाइफ से कांटेक्ट करेंगे तब वो एक्सपीरियंस हमारे लिए कैसा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का नहीं होगा। अब ये कांटेक्ट इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एलियन लाइफ हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर कम इंटेलिजेंट है। अभी एक बार जरा इस पॉसिबिलिटी को सोच कर देखिए कि ये एलियन लाइफ हमसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या हम उनकी बातों को समझ भी पाएंगे या हम उनके सामने केवल एक जानवर की तरह होंगे, बिल्कुल जैसे मंकीज यानी कि बंदर आज हमारे लिए है। वेल, इस पॉसिबिलिटी में अनगिनत चीजें पॉसिबल है और इन पॉसिबिलिटीज में से एक 1997 की मूवी द कॉन्टैक्ट में दिखाया गया है। अब दोस्तों, इस आइकॉनिक मूवी के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनर एपिसोड को। अब दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें गैलेक्सी के अलग अलग स्टार्स और प्लैनेट्स के थ्रू घूमते हुए दिखाया जाता है। इसके साथ ही हमें बहुत सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज की आवाज भी सुनाई देती है। इसके बाद सब कुछ अर्थ पर जूम होता है और हम मिलते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर एली एरोवे से। एली अभी बहुत छोटी है, वो एक रेडियो की मदद से दुनिया भर के लोगों से बात कर पा रही है। अब बचपन से ही एली साइंस और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखती थी। उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी पर वो अपने पिता से बेहद ही क्लोज थी, जिन्होंने एली के हर इंटरेस्ट को सपोर्ट किया था। अब दोस्तों, हार्ट अटैक की वजह से एली के पिता की भी मौत हो जाती है और एली बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब एली अपनी पूरी जिंदगी यूनिवर्स में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स और इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स को खोजने में लगा देती है। वो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि सेटी के लिए काम करने लगती है। अब दोस्तों, अपनी शुरुआती लाइफ में वो पुएर्टो रिको के एक ऑब्जर्वेटरी में काम करके बिताने लगती है। एली के पिता ने उसे साइंस और कम्युनिकेशन से इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए अब एली एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप की मदद से स्पेस से आ रहे रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक करके उसे समझने की कोशिश करने लगती है और होप करती है कि शायद इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज में उसे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। पुएर्टो रिको में काम करते वक्त वो प्लामेर जोस से मिलती है, जो कि एक तरह के स्पिरिचुअल लीडर होता है। प्लामेर और एली के बीच साइंस और रिलीजन के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन देखने को मिलती है। एली साइंस में बिलीव करती है और हर चीज का एविडेंस खोजने की कोशिश करती है। वहीं पर प्लामेर एक हायर पावर यानी कि गॉड में अपना फेथ रखता है। एली प्लामेर से ये बात कहती है कि गॉड के होने का कोई भी प्रूफ नहीं है। तब प्लामेर एली से कहता है कि वो प्रूव करके दिखाए कि वो अपने पिता से प्यार करती थी। एली सवाल का जवाब नहीं दे पाती। अब कई साल कुछ ना मिलने पर प्रेसिडेंट के साइंस एडवाइजर डेविड ड्रमलिन एली की फंडिंग को कट कर देते हैं और कहते हैं कि एलियन लाइफ को खोजना नामुमकिन है। अब ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंट लाइफ को खोजने का एली का सपना केवल सपना ही रह जाएगा, लेकिन तब एक सीक्रेट बिलियनियर एसआर हैडन उससे कांटेक्ट करता है और फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि एली अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। अब एली न्यू मैक्सिको के द वेरी लार्ज एरे में काम करने लगती है। अब करीब 4 साल तक एली वहां पर काम करती है और उसे किसी भी तरह का एलियन सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब किसी भी दिन उनकी इस फैसिलिटी को बंद किया जा सकता है और तो और गवर्नमेंट भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने का सोच रहे हैं। लेकिन तभी एली एक सिग्नल डिटेक्ट करती है जो प्राइम नंबर्स के सीक्वेंस को रिपीट कर रहा है। यह सिग्नल वेगा स्टार सिस्टम नाम की जगह से आ रहा था, जो कि करीब 26 प्रकाश वर्ष दूर है। एली अपने वेरी लार्ज एरे टेलीस्कोप को बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वेगा स्टार सिस्टम के ऊपर पॉइंट करके रख सकती थी, इसलिए उसने इंटरनेशनल रिसर्च फैसिलिटीज से मदद मांगी और उसकी खोज को कंफर्म करने के लिए बोला। अब इस खोज से पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हल्ला मच गया। डेविड ड्रमलिन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स को लगा कि अर्थ की पूरी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, इसीलिए उन्होंने एली के हाथों से इस प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश की। लेकिन एली की टीम ने उस सिग्नल के अंदर एक और मैसेज ढूंढ लिया और दोस्तों, सबके होश उड़ गए जब उस मैसेज में एक वीडियो फीड मिला। उस वीडियो में हिटलर की 1936 में समर ओलंपिक्स की स्पीच थी। एली की टीम ने थियरी रखी कि यह सबसे पहला टेलीविजन सिग्नल होगा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर गया था। अब इस सिग्नल को वेगा स्टार सिस्टम पहुंचने में 26 साल लग गए होंगे और लगभग उतने ही समय के बाद ये सिग्नल फिर से किसी ने अर्थ पर ट्रांसमिट किया था। अब दोस्तों, वेगा हमारे नाइट स्काई का 5th ब्राइटेस्ट स्टार है और तो और ये स्टार केवल 455 मिलियन साल का ही है, यानी कि हमारे सूरज के मुकाबले ये बस एक बेबी स्टार है। और इस वजह से भी सब शॉक्ड थे क्योंकि इतने कम समय में इंटेलिजेंट लाइफ की उत्पत्ति इस स्टार सिस्टम में हो गई थी। अब दोस्तों, इस सिग्नल को जब और ज्यादा डिटेल में पढ़ा गया तब एली को 60,000 पन्नों का एक डेटा मिला, जिसे किसी भी रूप से समझ पाना मुश्किल हो रहा था।
अवेसार हेडन यानी कि वो मिस्टीरियस बिलियनर एली से मिलता है और उसे बताता है कि सब लोग इन पेजेस को दो डायमेंशन में पढ़ रहे थे, लेकिन इस इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म ने इन्हें थ्री डायमेंशन में लिखा था ताकि एफिशिएंटली से पढ़ा जा सके। अब इन सभी पन्नों के डेटा को इंसान समझने लगते हैं और देखते हैं कि इनमें कॉम्प्लेक्स मशीन को बनाने का मेथड छुपा हुआ है। इस मशीन में केवल एक ही इंसान बैठ सकता था। बहुत सारे डिस्कशन के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी समझ जाती है कि यह मशीन एक सिंगल पैसेंजर वाली ट्रांसपोर्ट डिवाइस है। अब दोस्तों, दुनिया की लीडिंग कंट्रीज इस मशीन को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने लगती है और मशीन का बनना शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ कौन इसमें बैठेगा इस बात के भी टेस्ट शुरू हो गए। अब इस कैंडिडेट लिस्ट में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स थे, साथ ही इसमें एली और डेविड ड्रमलिन भी शामिल थे। सभी कैंडिडेट्स का फिजिकल और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होने लगा। अब एक कमिटी बनाई जाती है जो ये डिसाइड करेगी कि कौन उस ट्रांसपोर्ट डिवाइस में बैठकर पॉसिबली एलियन लाइफ से मिलने जाएगा। एली और ड्रमलिन इस रेस में सबसे आगे होते हैं, लेकिन इस कमिटी में स्पिरिचुअल लीडर जॉस प्लामेर भी है जो सभी को बताते हैं कि कैसे एली रिलीजन, फेथ या गॉड में बिलीव नहीं करती। अब ये सुनकर कमिटी के लोग एली को रिजेक्ट कर देते हैं और ड्रमलिन को मशीन में बैठकर जाने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। बदकिस्मती से एक टेररिस्ट के हमले की वजह से वेगा मशीन टेस्टिंग फेज में तबाह हो जाती है और इसके साथ ही उस मशीन के अंदर काम कर रहे कई साइंटिस्ट की भी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद एली जब घर में वापस आती है तो उसके घर के अंदर कॉम्प्लेक्स मशीन्स लगे हुए दिखते हैं। अब इन मशीन्स की मदद से वो हेडन से बात कर पाती है। हेडन को टर्मिनल कैंसर हो गया था और वो कैंसर सेल्स को शो करने के लिए MIR स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर लेता है। अब हेडन एली को बताता है कि गवर्नमेंट ने सीक्रेट तरीके से एक और वेगा मशीन को जापान में बनाया है। उस कंपनी को हाल ही में हेडन ने खरीदा था और सभी को कन्विंस कर दिया था कि एली इस मशीन में जाने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। अब एली फाइनली उस ट्रांसपोर्ट मशीन के अंदर बैठ जाती है। जैसे ही मशीन शुरू होता है वो कई सारे वॉर्म होल्स के थ्रू ट्रैवल करने लगती है। वो कई सारे स्टार सिस्टम्स देखती है, एलियन टेक्नोलॉजीज देखती है और तो और एक एलियन सिटी को भी ऊपर से देख पाती है। अब एली के पास एक कंपास होता है जो कि प्लामेर ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। ट्रैवल करते वक्त उसका वो कंपास नीचे गिर जाता है। अब एली अपनी सीट से उठकर उस कॉम्पास को लेने जाती है और तभी उसकी वो चेयर हवा में उड़कर पॉड से जोर से टकराती है। प्लामेर ने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी कि ये कॉम्पास एक दिन एली की जान बचाएगा और बिल्कुल वैसा ही होता है। एली ट्रांसपोर्ट पॉड के अंदर से बहुत से सेलेस्टियल इवेंट्स को देखती है। फाइनली वो एक बीच जैसी जगह पर लैंड करती है। ये बीच बिल्कुल उस ड्रॉइंग की तरह होती है जो एली ने अपने बचपन में बनाया था। अब धीरे धीरे दूर से एक मिराज जैसा कुछ चलकर एली के पास आता है और एली के पिता में कन्वर्ट हो जाता है। इस एलियन ने एली के थॉट्स, मेमोरीज और फीलिंग्स को अपने अंदर ले लिया था और उस रूप में बदल गया था जिसमें एली सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अब एली के पिता के रूप में आया हुआ ये एलियन उससे कहता है कि वर्ल्ड में हजारों इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स है जो इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करके ट्रेवल करते हैं। इस एलियन की सिविलाइजेशन इस तरह के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कई लाखों साल से इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि इसे बनाया किसने था। वो बस कहते हैं कि इसकी डिस्कवरी कई अरब साल पहले किसी ने की थी। वो एली को ये भी समझाते हैं कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की दूसरी स्पीसीज के साथ मिलने का पहला कॉन्टैक्ट है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अभी मिलियन ईयर्स और लग जाएंगे। एली को फिर से अर्थ पर भेज दिया जाता है क्योंकि ह्यूमैनिटी अभी पूरी तरह से एलियंस के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। अब जिस तरह पहला वेगा मशीन डिस्ट्रॉय हुआ था और कैसे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स अपनी टेक्नोलॉजीज को छुपा कर रखती है, इस बात से ये चीज क्लियरली साबित हो जाती है कि ह्यूमैनिटी सच में रेडी नहीं है। अब मुझे ये भी लगता है कि इन स्पीसीज के बारे में जान पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन होता क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब ये बिल्कुल ऐसा होता जैसे आप एक महीने के बच्चे को एडवांस्ड फिजिक्स पढ़ा रहे हो। अब जब एली धरती पर वापस आती है तब वो देखती है कि इंसानों के प्रस्पेक्टिव से केवल कुछ ही सेकंड्स पास हुए हैं। उन्होंने केवल ये देखा कि एली की मशीन शुरू हुई और अगले सेकंड में एक सेफ्टी नेट में आकर गिर गई। इसके साथ ही एली की रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में भी केवल स्टैटिक ही रिकॉर्ड किया गया था। अब एक कमिटी बिठाई जाती है जो इस पूरे इवेंट को समझने की कोशिश करती है। अब सब कहते हैं कि वेगा मशीन और वेगा से आया हुआ सिग्नल सब एक झूठ था जो कि बिलियनर हेडन ने प्लान किया था। एली सबके सामने कहती है कि वो अपने एक्सपीरियंस को किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर सकती, लेकिन वो चाहती है कि ह्यूमैनिटी उसके ऊपर फेथ करके उसकी बात पर बिलीव करे। और तभी वहां जॉस प्लामर कहता है कि वो एली की बातों को बिलीव करता है।
इस कमिटी मीटिंग के कुछ दिन बाद हमें व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रैशल नाम की एग्जीक्यूटिव कहती है कि एली की सभी रिकॉर्डिंग्स में केवल स्टैटिक ही था, लेकिन ये रिकॉर्डिंग करीब 18 घंटे तक लगातार चलती रही थी। अब इसका मतलब था कि एली कहीं ना कहीं तो जरूर गई थी। मूवी में रिलीजन और साइंस के मतभेद पर ज्यादा फोकस किया गया है। ये क्लियरली देखा जा सकता है कि आगे जाकर भी बिना फेथ के हम कोई भी मेजर डिस्कवरी नहीं कर सकते। अब शायद आने वाले कुछ ही सालों में हमें इंटेलिजेंट एलियंस के सिग्नल मिल सकते हैं, लेकिन उस वक्त में इंसानियत का यूनिटी में रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाकर देखो। अगर आप भी मेरी तरह एक स्पेस लवर हो, आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।